दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जस्ट मैंने अभी एक सीरीज़ फिनिश की है। संडे का दिन था, कुछ करने के लिए था नहीं, मैंने बोला आज तो मैं एक सीरीज़ देखूंगा और इस सीरीज़ का नाम है दहन। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हमारी फेवरेट हिंदी लैंग्वेज पर भी है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको अपना कीमती समय इस 9 एपिसोड को देना भी चाहिए या फिर नहीं। तो कहानी कुछ इस टाइप से है कि एक गाँव है शिलासपुर, जहाँ पे राकड़ की मान्यता है। राकड़ एक टाइप से एक राक्षस होता है इस गांव वालों के हिसाब से, और इस राकड़ की हिस्ट्री इस गांव से जुड़ी हुई है और गांव वाले काफ़ी ज़्यादा इससे डरे हुए भी रहते हैं। उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पे एक माइल्स है, जहाँ पे माइल के अंदर ही एक शिला स्थल है जहाँ पे ये राकड़ की आत्मा कैद है। और इसी बीच में हमारी मेन लीड यानी कि टिस्का चोपड़ा की एंट्री होती है, जो एक IAS ऑफिसर है। वो उसे ऑफकोर्स इस माइल्स को फिर से शुरू करने का एक ऑर्डर मिलता है, ताकि फिर से इस गांव में यू नो तरक्की हो, गांव वालों को रोज़गार मिले। और ऑफकोर्स गांव वाले उसे रोकते भी हैं कि ये सब ना करें, क्योंकि राकड़ अगर ज़िंदा हुआ फिर से तो इस गांव में यू नो मौत का तांडव हो जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स जैसे एज यूजुअल होता है, पढ़े लिखे लोग ये सब बातों को सकेनुसी बोलकर सबको जयराम करके आगे निकल जाते हैं और माइल का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही माइल का काम शुरू होता है, इस गांव में सभी लोगों की बैंड बजनी शुरू हो जाती है। एक एक करके अजीबोगरीब मौतें होने लगती है, कभी गांव में कभी माइल्स के अंदर कर रहे काम कर रहे वर्कर लोगों की। तो कुल मिलाकर इस सीरीज़ की कहानी यही है। अब देखना ये होता है कि क्या एक्चुअल में वहाँ पे कोई राक्षस है या फिर इसके पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। बट एट द सेम टाइम इसकी लेंथ कहीं ना कहीं फील भी होती है। 9 एपिसोड फील होते हैं कि इसे ट्रिम करके 7-8 एपिसोड में निपटाया जा सकता था। पर्सनली मुझे तो इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। भूत प्रेत सामने आते तो फट के चार हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसी कहानी सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, हम बड़े चाव से ऐसी कहानी को सुनते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि इसकी लेंथ फील होने लगती है। कुछ कुछ पोर्शन इस सीरीज़ में ऐसे हैं जिसे मेरे हिसाब से उनका होना ना होना एक ही मतलब था, लेकिन फिर भी कहानी को काफ़ी अच्छे से बिल्ड किया गया। और भाई भूतों की कहानी किसे नहीं पसंद है, ऊपर से तो गांव वाला भूत है। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट इस वेब सीरीज़ में इस बात को लेकर बना रहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहे हैं। माइल्स अगर खुली रही और काम चलता रहा तो गांव वाले और किस किस चीज़ को फेस करेंगे, इसके पीछे सच में कोई भूत है, राक्षस है, इसके पीछे कोई साइंस या वायरस है, ये सब बातें जानने के लिए हमारी इच्छा बनी रहती है इस सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ मुझे पसंद आई है। अब तो हालांकि संडे ख़त्म हो चुका है, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो, और आप ऐसी स्टोरी पसंद है आपको जिसमें थ्रिल हो, सस्पेंस हो और भूत प्रेत गांव वाली बातें हो, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। डेफिनेटली लेंथ के बारे में आपको बता दिया मैंने कि लेंथ थोड़ी छोटी की जा सकती थी, लेकिन फिर भी ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आप एक बार देख सकते हैं। एक्टिंग की बात करो तो टिस्का चोपड़ा मेन लीड में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए उन्होंने। सबसे बेस्ट काम इसका अगर बोलूँ ना मैं तो सौरभ शुक्ला सर ने दिया है। ब्रिलियंट कॉमेडी हो, टेंस लुक हो, सभी चीज़ की एक्टिंग ये सर ब्रिलियंटली करते हैं। तो यही था मेरा रिव्यू दहन इस सीरीज़ के लिए, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जो मुझे पसंद दिया है, और आप भी इसे एक मौका ज़रूर दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी मुझे कर सकते हैं। बाय।